नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरे व्यूअर ने जो प्लान भेजा है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये घर कैसा है। दिशाएं इसमें ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। ईस्ट फेसिंग घर है ये। इन्होंने जिस तरह बनाया है, बट टेंटेटिव प्लान बनाया पर से आइडिया लग जाता है कि इस घर में क्या हो रहा होगा, कैसा घर है ये। ये ओपन बरामदा है। ओपन मतलब यानी छत नहीं है, ऐसा लगता है ओपन बरामदा। यदि ऊपर छत नहीं है तो ये महत्वपूर्ण वास्तु दोष है। मतलब ओपन बरामदा है, छत नहीं है, तो ये नॉर्थ ईस्ट कट रहा है और ये बढ़ रहा है, अग्नि कोण बढ़ रहा है। यदि ऐसा है तो घर में विवाद और कलह रहेंगे, ठीक है। और यदि ये कवर्ड है, ओपन इनको कवर करना चाहिए, और यदि कवर्ड है तो फिर दिक्कत ये है कि बीच में आंगन दिया और बीच का आंगन मतलब ये सब ऊँचे होंगे और ये बीच में आंगन, तो आर्थिक स्थिति खराब, मध्य का गड्ढा बन गया। मध्य का गड्ढा मतलब आर्थिक बहुत पैसा खर्च करवाता, पैसे बर्बादी कराता है, ऐसे हालात बनते हैं। तो यदि ओपन है तो ईशान कोण कट रहा है और ये अग्नि कोण बढ़ा, विवाद और कलह रहेंगे। और यदि ऊपर से कवर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, उस स्थिति में फिर ये आंगन जो है मध्य का वो जो है वो दिक्कत देता है, क्योंकि मध्य में गड्ढा हो गया। और यदि आंगन है और ये ओपन है, मतलब आंगन ये ओपन है और ये रास्ता और इसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो ये आंगन का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा खुला हुआ, हम बोलेंगे यहाँ से ये घर पूरा यहाँ तक खुला हुआ है, फिर मध्य गड्ढा नहीं रहा है, मध्य में पर इसके साथ कनेक्टिविटी बन गई बाहर तक, तो दिक्कत नहीं आएगी। एक किचन दक्षिण में है, दक्षिण में किचन रहेगा, घर के मुखिया को घर में एक तो मानसिक तनाव बना रहेगा, शांति रहेगी, घर के मुखिया गुस्सा ज़्यादा आएगा, उसका स्वास्थ्य भी साधारण रहेगा। ये दरवाज़ा ठीक है, ईशान कोण का हो गया, ये उत्तर वायव्य का गलत, इसको यहाँ होना चाहिए, ये गलत है, ये बेडरूम में बाय दी वे रूम ही है, तो ये पूर्व अग्नि का द्वार हो गया, विवाद और कलह कारण जो यहाँ रहता है विवाद और कलह करता है। ये स्टेयर्स है, स्टेयर्स के लिए सही जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के पूरा जो है इनको चाहिए यहाँ ध्यान दें, और पॉसिबल हो तो किचन यहाँ शिफ्ट करके इसे रूम बनाए, कोई ऐसी व्यवस्था कर लें तो ये समस्या भी हल हो जाएगी। और यदि ये ओपन है, इसे कवर करते हैं, तो फिर इनको चाहिए आंगन का फ्लोर लेवल भी इसके बराबर कर दें, रूम्स के बराबर इसे बराबर कर दें, इन आंगन का पानी अंदर ना जाए, तो यहाँ पर सब जगह पर जो है पट्टी लगा दें, पत्थर की बोलते हैं ना, राइजर लगा दें, डोली बोलते हैं जिससे, वो लगा दें ताकि पानी अंदर ना जाए, ये बीच में गड्ढा नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तो ये है इसका विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको भी पसंद आया होगा। नमस्कार।